अल्लाह लेकुम डियर स्टूडेंट आज हम रीडिंग का पहला राइट पढ़ने जा रहे हैं और इसको पढ़ने का मकसद यह है कि हम एज़ ए टीचर समझ सकें एज ए फ्यूचर टीचर समझ सकें कि हमने बच्चों को पेरेंट्स को कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करना है कि वो इस राइट को समझ सकें और इसे इम्प्लीमेंट कर सकें अपने बच्चों को ये पहुँचा सकें लेट्स बिगिन इट कि ये हैं क्या और हम पहले राइट को पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट राइट right है वो ये है कि चिल्ड्रन हैव द बेसिक ह्यूमन राइट टू रीड इसका बुनियादी मकसद ये है कि जब बच्चे रीडिंग करना जानते हैं तो बेहतर तरीके से माशरे में फंक्शन कर सकते हैं इसका फ़ायदा उनको ये होता है कि वो ना सिर्फ पर्सनली बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं बल्कि उनकी सोशल कल्चर एडजस्टमेंट बेहतर होती है आपकी रीडिंग एबिलिटीज़ ये बताती हैं कि आप किस सोसाइटी के आ, पार्ट में एंटर हो सकते हैं फ़ायदे उठा सकते हैं और किस सोसाइटी के पार्ट से सिर्फ ना पढ़ने की वजह से बाहर जा सकते हैं और बहुत सी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती तो अगर हम ये मान लें कि यह हकीकत है तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि रीडिंग बच्चों का बुनियादी तौर पर इक्विटी से रिलेटेड हक हाँ है इसका मतलब यह है कि वो बच्चे जिन्हें किताबें नहीं मिलती या जिन्हें अच्छे स्कूल नहीं मिलते या जिन्हें अच्छे सासद नहीं मिलते या जिनके वालदेन पढ़े लिखे नहीं हैं हमें उनके लिए एक अलग प्रोग्राम डिज़ाइन करना पड़ेगा उनकी नीड के मुताबिक हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये बच्चों का बुनियादी हक है तमाम बच्चों का चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है चाहे वो किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं चाहे वो किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये जो इशू है ये बुनियादी तौर पर क्वालिटी इंस्ट्रक्शन का इशू है हमारे यहाँ बच्चे स्कूलों में जाते हैं पढ़ते हैं पर पढ़ने के बाद उसे समझने से कासिर होते हैं तो वी नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल और ये सोशल जस्टिस का इशू है कि तमाम बच्चों को रिगार्डलेस के वो कहाँ से बिलोंग करते हैं किस इलाके से बिलोंग करते हैं किस सोशो इकनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं उनके वालदेन पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं उन तक रीडिंग मटीरियल पहुँचाना उनमें ये स्किल डिवेलप करना ये उनका बुनियादी हक है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकें लिटरेसी हमें क्या चीज़ें अलाउ करती है इट एक्चुअली ओपन अप अ होल वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल ऑफ द चिल्ड्रन नंबर टू सबसे इंपॉटेंट चीज़ कि लिटरेसी की वजह से और रीडिंग की वजह से हम क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हैं हम बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेकर आ सकते हैं ये एक नॉलेज बेस प्रोवाइड करती है जिसपे बच्चे बहुत से सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और बच्चे जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो उनमें एम्पत्ति और सहम्पति के जो जज्बात होते हैं वो करैक्टर्स को देखते हैं वही उनके अंदर पैदा होते हैं और वो अपने आसपास के लोगों के साथ उन जज्बात को शेयर कर सकते हैं इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को हमें टेक्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए किताबें ला के देनी चाहिए कहानी की किताबें और उन किताबों को उनके साथ पढ़ना चाहिए कितनी छोटी उम्र में बच्चे को हम बुक्स ला के देते हैं और वो बुक्स से इंगेज होता है खेलता है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकता है वो लाइफ लॉन्ग रीडर बन सकता है और वो रीडिंग को एक बहुत लंबे अरसे तक कॉन्टिन्यू रख सकता है इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो ये चीज़ है कि इस क्या कर सकते हैं इस सबसे अहम रोल है वो ये है कि जब वो बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं तो दो अहम चीज़ें उनके सामने होती हैं एक्सप्लिसिट टीचिंग से सबसे इम्पॉटेंट चीज़ आप फंडामेंटल स्किल्स बच्चों में रीडिंग की डेवलप करते हैं पोनोलॉजिकल अवेयरनेस डेवलप होती है अल्फाबेट्स के बारे में पता चलता है कि ये क्या है उसके अलावा हमें ये पता चलता है कि जो अल्फाज हैं उनका इंटरेक्शन कैसे होता है और बच्चों में रीडिंग फ्लुएंसी आती है जब बच्चे पढ़ना जान जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और स्किल्स उनमें ख़ुद ब खुद ही बन जाती हैं जैसे उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है और उनको टेक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आना शुरू हो जाता है और सबसे अहम चीज़ जो इस को समझानी है और बतानी है वो ये है कि जब आप बच्चों को कहानियों की किताबें इंजॉय तरीके से पढ़ाते हैं इंजॉयल तरीके से सिखाते हैं और उनको रीडिंग सिखाते हैं तो बच्चों में क्योसिटी डेवलप होती है वो मोटिवेटेड होते हैं और ये बहुत इम्पॉटेंट फैक्टर्स uh, हैं बच्चों की लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अब टीचर और एजुकेटर जो हैं बुनियादी तौर पर आ, उनका मेन मकसद क्या है वो क्या कर सकते हैं टीचर्स का और एजुकेटर्स का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो स्कूल में बच्चों में रीडिंग स्किल डेवलप करें बल्कि वो पेरेंट्स को भी गाइड करते हैं कम्युनिटी लीडर्स को भी गाइड करते हैं और बाकी फैसिलिटीज़ को भी देखते हैं जिनमें लाइब्रेरीज़ हैं, जिन हैं और जिनमें एन हैं और उन्हें एमपावर करते हैं कि वो तो बच्चों तक रीडिंग मटीरियल पहुँचाएँ बच्चों के लिए पॉजिटिव मॉडल पेरेंट्स को बताते हैं कि आपने कैसे बच्चों में रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है और कैसे अपने डायलॉग करना है कैसे अपने बच्चों के साथ बैठना है किताबों को पढ़ना है और उसको डिस्कस करना है और कैसे आपने एक पॉजिटिव रीडिंग इन्वामेंट अपने घर में और अपने स्कूल में और कम्युनिटी के डिफरेंट स्पॉट्स में अवेलेबल करना है इंश्योर करना है अब एज़ अ टीचर मैं क्या करूँ सबसे पहले एज अ टीचर मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि जो रिसर्च आपको बताती है कि हर उम्र के मुताबिक बच्चे में किस तरीके से रीडिंग स्किल्स डिवेलप की जा सकती हैं आपने उस रिसर्च को पढ़ना है और उसके मुताबिक असेसमेंट डिवेलप करनी है आपको रिसर्च ये बताएगी कि तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं उनका फैमिली में सपोर्ट रीडिंग के लिए डिफरेंट होती है उनको एक्सेस टू मटेरियल डिफरेंट होता है तो आप बच्चों के ग्रुप कैसे बना के डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं और एक हाई क्वालिटी रीडिंग इंस्ट्रक्शन जो है आ, उसको अपने बच्चों की नीड्स को देखते हुए आपकी क्लास में जो ग्रुप्स हैं उनको देखते हुए आप उनके लिए एक डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को बना सकते हैं नंबर टू टीचर्स इंश्योर कर सकते हैं वो तमाम कंडीशन जिससे बच्चे रीडिंग को इंजॉय करें रीडिंग ऐसा बोझ नहीं होना चाहिए जिसमें उन्हें कल होमवर्क करना है और ये बिल्कुल सिर्फ एकेडमिक काम है इट इज़ इंजॉयल वर्क जब तक बच्चे इसे इंजॉय नहीं करेंगे तब तक वो इसे मीनिंगफुल तरीके से समझेंगे नहीं और तब तक कि उनकी पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं लाएगा और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वी नीड टू नर्चर एंड ग्रो चिल्ड्रन एज रीडर्स जो कि पढ़ सकें जो पढ़ते रहें और जो पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहें और अपने मसाइल को हल करने के लिए अच्छा मटेरियल इंगेज कर सकते हो थैंक यू सो मच